मंत्री ओमकार विभूति सिंह ने उखरूल में शनिवार को पुलिस फायरिंग में मरने वाले दो व्यक्तियों के निकट संबंधियों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि घायल लोगों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इम्फाल में कल संवाददाताओं से बातचीत में श्री विभूति सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। नागालैंड और असम के बीच हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में सीमा मुद्दों को सुलझाने पर सहमति हुई है। कोहिमा में कल आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। गुवाहाटी में नागालैंड के मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग और असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बीच 21 अगस्त को हुई बैठक के बाद ये सहमति बनी है। बिहार में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के राजगीर में नवस्थापित परिसर में आज से कक्षा शुरू होने के साथ ये विश्वविद्यालय फिर अस्तित्व में आ जाएगा। इस प्राचीन विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए पहले पूरी दुनिया से छात्र यहां आया करते थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में इस विश्वविद्यालय को फिर शुरू करने का विचार रखा था और उसी के साकार होने का ये परिणाम है। अमेरिकी ओपन टेनिस में भारी उलटफेर का सिलसिला जारी है। दुनिया की नंबर 6 खिलाड़ी मारिया शारापोवा कल रात सीजन के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम से बाहर।